नमस्कार दोस्तों, आपका अपने स्टडी चैनल उदयदीप क्लासेस में स्वागत है। हम भिन्न के बारे में पढ़ रहे थे। इस चैप्टर से हम दो टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं। आज की क्लास में हम एक टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यदि आपने से पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाकर मैथ्स फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम नाम से आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज एक साथ मिल जाएंगे, वहाँ से इजीली देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, निम्नलिखित को साधारण भिन्न में बदलिए। यहाँ पे क्वेश्चन दिए, इनको हमें साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो देखिए हम साधारण भिन्न में किस प्रकार बदलते हैं। यहाँ पे लिखा है 0.7 इसका बार, यानी ऊपर जो लगा होता है इसको हम बार बोलते हैं। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन को हम कैसे साधारण भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले संख्या को लिखते हैं, संख्या कितनी है 7, बार कितनी संख्या पे लगा यानी कि 7 पे अकेला लगा, यानी जितनी संख्या बार लगा होता है उतने 9 यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कि इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे कितना जाएगा 7/9 हमारा आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए 0.8 बार, इसको बदलेंगे तो देखिए 8 है संख्या को लिखेंगे, एक अंक पे बार है यानी 1/9 नीचे लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे देखिए 0.39 यानी 2 अंकों पे बार है, तो संख्या को लिखते हैं जितने अंकों पे बार है उतने 9 नीचे लिख देते हैं, तो हमारी क्या साधारण भिन्न में कन्वर्ट हो जाती है। यदि कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं, और देखिए कैंसिल हो रहा है 3 से हो रहा है तो 3 से इसको कैंसिल कर लें, 3 × 3 3 × 9 नीचे 3 × 9 3 × 9 तो हमारा साधारण भिन्न में किस प्रकार आएगा 13/33 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे 0.08 यानी 2 अंक पे बार है, तो सबसे पहले हम कितना लिखेंगे 0 है, यानी संख्या को लिखेंगे, बटे कितने अंक पे बार है 2 अंक पे, तो 2/9 यहाँ पे लिखेंगे। यदि कैंसिल हो रहा हो तो ठीक है, नहीं हो रहा तो वो संख्या ही हमारा आंसर होगा, तो 8/99 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे 0.57 पे बार लगा हुआ है, यानी कि सिर्फ 1 अंक पे बार लगा हुआ है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा अलग है, इन सभी क्वेश्चनों से थोड़ा सा चेंज है। 57 लिखेंगे, जिस पे बार नहीं लगा उसको इससे माइनस करते हैं, यानी 5 पे बार नहीं लगा तो 5 को माइनस करेंगे, और अभी मैंने बताया जितने अंकों पे बार लगा होता है उतने 9 नीचे लिखते हैं, यानी 1 अंक पे बार लगा है तो 1/9 लिखेंगे, इससे पहले कितने अंक हैं 1 अंक है, तो जितने अंक होते हैं उतने 0 नीचे लिखते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 57 से 5 माइनस करें कितना आएगा 52/90, कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दे रहा है, 2 से 2 × 4 एक बचा, कितना हो गया 2 × 12 नीचे, 2 × 8 एक बचा, तो कितना हो जाएगा 10, तो 2 × 5 = 10 कितना आएगा 26/45 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 0.925 2/5 पे बार लगा हुआ है, सबसे पहले संख्या को लिखेंगे, संख्या कितनी है 925। अब देखिए इससे क्या करते हैं, जिस पे बार नहीं लगा हो तो उसको माइनस करते हैं, यानी 9 पे बार नहीं इसलिए इसको माइनस करेंगे। अब देखिए 2 अंक पे बार है तो 2/9 नीचे लिखेंगे, जिस पे बार नहीं है वो कितने अंक हैं, देखिए इससे पहले 1 अंक है तो 1 0 लगाएंगे। अब देखिए 925 से 9 को माइनस करेंगे कितना आएगा 916/990, इसको देखिए सॉल्व करते हैं, कैंसिल हो रहा है तो 2 से कैंसिल करते हैं, 2 × 8 एक बचा 11, 2 × 5 = 10 एक बचा 2 × 8 = 16 नीचे देखिए 2 × 8 = 19 2 × 9 = 18 एक बचा 10 2 × 5 = 10 यानी 458/495 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चनों को साधारण भिन्न में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 1 धन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है, उस धन का 3/4 भाग ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन कह रहा है एक धन है उसका 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से कैसा है 12 अधिक है, तो उस धन का हमें 3/4 भाग निकालना है। सबसे पहले मान के चलते हैं वो धन क्या है ₹1। देखिए इसका 1/3 भाग यानी कि इसका 1/3 भाग इसके 1/4 भाग से कैसा है 12 अधिक है, यानी इसके 1/4 भाग से 1/3 भाग कैसा है 12 अधिक है, यानी इससे माइनस करें कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू निकाल लें, यानी कि वो धन निकाल लें, एक्स हमने क्या माना है वो धन माना है, यानी कि ₹100 वो हमारा धन है, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 3 × 4 है इसका एलसीएम कितना आएगा 12, 3 से एलसीएम 4 बार कैंसिल है, 3 × 12 ऊपर 4x माइनस 4 से 3 बार 4 × 3 = 12, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x = 12, 4x से 3x माइनस होंगे x बचेगा, 12 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 12 × 12 = 144, यानी कि वो धन कितना होगा हमारा टोटल ₹144। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा, उस धन का 3/4 भाग ज्ञात कीजिए, यानी इसका भी हमें 3/4 भाग ज्ञात करना है, यानी 144 का 3/4 भाग हम निकाल लेंगे, 4 से इसमें भाग लगाएंगे, 4 × 4 =
ठीक है, 4 3 12, 2 5 24, 4 5 20, 4 6 24 यानी 36 × कितना जाएगा 3, तो इससे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 3 6 18, हाथ आई कितना 1 3 3 9 और 1 10, यानी कि 108 रुपये। उस धन का 3/4 भाग कितना होगा, 108 रुपये होगा। ऑप्शन देखिए बी 108 यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे जिनकी संख्या 40 थी, यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हों तो लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन कह रहा है कोई कक्षा है जिसमें 2/3 भाग क्या है विद्यार्थी उपस्थित थे जिनकी संख्या टोटल कितनी थी 40 थी, यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हों तो लड़कियों की कुल संख्या में निकालना है। तो मान के चलते हैं कक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी हैं, मान के चलते हैं 100 विद्यार्थी कक्षा में टोटल हैं। अब क्या कह रहा है, किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे, यानी टोटल के 2/3 भाग विद्यार्थी क्या थे, उपस्थित थे, जिनकी संख्या कितनी थी 40 थी, यानी कि टोटल एक्स है इसका 2/3 कितने उपस्थित थे, यानी कि 40 उपस्थित थे। यहाँ से हमें टोटल कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या मिल जाएगी, 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए क्या आएगा, 40 × 3/2 नीचे आ जाएगा, इंटू है तो 2 नीचे और 3 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, 2 से 40 20 बार में कैंसिल, 20 × 3 कितना आ जाएगा यहाँ पे 60, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 60। एक्स क्या है, कक्षा में टोटल विद्यार्थियों की संख्या, यानी टोटल 60 विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित थे। अब क्वेश्चन का कह रहा है यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हों तो लड़कियों की कुल संख्या में ज्ञात करना, यानी टोटल संख्या कितनी है विद्यार्थियों की 60 है। अब इसका क्या कह रहा है, टोटल विद्यार्थियों के कक्षा में क्या है 2/5 भाग लड़कियां, यानी कि इसके 2/5 भाग करते हैं तो हमें लड़कियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, 5 से 5 = 5 कितना बचा 1 10 5 2 10 12 × 2 यानी 12 × 2 = 24, तो 24 क्या होगी कक्षा में लड़कियों की संख्या होगी। तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे 24 हमारे लड़कियों की संख्या प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक खंभे का 1/2 भाग सफेद तथा 1/3 भाग नीला है, यदि शेष भाग पीला हो और वह 2 मीटर लंबा हो तो खंभे की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन कह रहा है एक खंभे का 1/2 भाग कैसा है, सफेद है, और 1/3 भाग नीला है, यदि शेष भाग कैसा हो, पीला हो, जो कि कितना है 2 मीटर लंबा है, तो हमें खंभे की कुल लंबाई ज्ञात करना है। मान के चलते हैं खंभे की कुल लंबाई कितनी है एक्स मीटर है, देखिए यहाँ पे मीटर में बात कर रहे हैं इसलिए हम मान के चलते हैं कुल लंबाई कितनी है एक्स मीटर है। अब क्या कह रहा है, एक खंभे का 1/2 भाग कैसा है, सफेद, यानी कि इसका 1/2 भाग देखें कैसा है सफेद, और 1/3 भाग कैसा है नीला, यानी कि इसका 1/3 भाग कैसा है नीला, देखिए सफेद और नीला, तो टोटल इसको निकाल लें हम, यानी कि इन दोनों को जोड़ दें तो टोटल सफेद और नीला भाग आ जाएगा हमारे पास। देखिए इसको सॉल्व करें कितना आएगा, देखिए 2 और 3 का एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 2 से 3 बार में कैंसिल, 3 से 3x प्लस 3 से 3 × 2 = 6 2x आएगा, देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x/6, यानी कि 5x/6 मीटर क्या होगा, सफेद और नीला वाला खंभा होगा, यानी कि सफेद और नीले खंभे की टोटल लंबाई कितनी होगी 5x/6 मीटर। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, शेष भाग पीला है, देखिए टोटल हमने माना x मीटर है जिसमें से सफेद कितना है 1/2 भाग और नीला कितना है 1/3 भाग, टोटल इन दोनों को देखें सफेद और नीले को कितना है 5x/6 भाग क्या है सफेद और नीला है, यानी कि इतना सफेद और नीला है और टोटल कितना x मीटर है, तो इससे हम इसको माइनस करेंगे तो शेष भाग मिल जाएगा, यानी टोटल से 5x/6 भाग को माइनस करेंगे तो शेष खंभे का हमें लंबाई प्राप्त हो जाएगी। देखिए इसको सॉल्व करेंगे 6x-5x कितना आ जाएगा, 6 से 5 माइनस होंगे तो 1/6 भाग, यानी x/6 भाग क्या है शेष भाग जो कि कैसा है पीला है और उसकी लंबाई कितनी दी है वह 2 मीटर लंबा है, तो देखिए इसके इक्वल 2 रख देंगे तो टोटल से हम सफेद और नीले के भाग को ऐड करके माइनस करेंगे तो शेष भाग आएगा, शेष भाग जो कि पीला है और जिसकी लंबाई कितनी है 2 मीटर, तो शेष भाग आ जाएगा 1/6 भाग जो कि 2 मीटर लंबा है, तो इसके इक्वल 2 रख देंगे तो x = 6 × 12 मीटर, यानी टोटल खंभे की लंबाई हमने x मीटर मानी थी, x की वैल्यू कितनी आ गई 12 मीटर, यानी खंभे की कुल लंबाई पूछिए तो वो कितनी होगी 12 मीटर होगी, तो 12 मीटर हमारा राइट आंसर होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर 135 लीटर पानी आता है। यदि उसमें 180 लीटर पानी रखा जाए तो उसका कौन सा भाग भरा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, फिर से समझिए। किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है। यदि उसमें 180 लीटर पानी रखा जाए तो उसका कौन सा भाग भरा होगा वो हमें बताना है। यानी कि देखिए, इसको ऐसे समझिए आप, 135 लीटर पानी भरा है किसी टैंक में, तो उसका कितना भाग भरा आ रहा है, 1/4 भाग भरा आ रहा है। यदि 1 लीटर पानी भरा हो तो और कम भाग भरा आएगा। देखिए, 135 लीटर पानी में 1/4 भाग भरा आ रहा है, तो हम 1 लीटर पानी देखें तो और कम भाग भरा आएगा, यानी कि 1/4 135 से क्या हो जाएगा, इसमें भाग लग जाएगा। अब देखिए, 1 लीटर में और कम भाग भरा आ रहा है तो हमें कितने में देखना है, 180 लीटर पानी में देखना है कि उसका कौन सा भाग भरा आएगा। यानी कि 180 लीटर पानी में कितना भाग भराएगा, यानी कि और अधिक भराएगा, तो 180 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए, आपको समझ में आ रहा हो, 135 लीटर में 1/4 भाग भरा आ रहा है, तो 1 लीटर में और कम भराएगा, इसलिए 135 से भाग लग जाएगा। हमें 180 लीटर में देखना है 180 लीटर में कितना भरा, यानी कि और अधिक पानी है तो और अधिक भाग भराएगा, तो 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए हम इसको सॉल्व कर दें, यानी कि 180 × 1/4 × 135। देखिए, इसको सॉल्व करते हैं, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, 4 से 4 × 16, 2 × 20, 4 × 5 = 20। अब देखिए, 45/135 15 से कैंसिल करते हैं, 15 × 3 = 45 और 15 × 9 = 135, 3/9, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, यानी कितना जाएगा, 1/3 भाग आ जाएगा। यानी कि टैंक में यदि 180 लीटर पानी भरें तो उसका 1/3 भाग भरा जाएगा, तो 1/3 यहाँ पे हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक गांव में रहने वाले कुल लोगों में से 1/3 भाग नौकरी करते हैं, जबकि 1/4 भाग व्यापार और 1/4 भाग कृषि करते हैं। बताइए, गांव का कौन सा भाग बेरोजगार है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है, एक गांव में रहने वाले कुल लोगों में से 1/3 भाग क्या नौकरी करते हैं, जबकि 1/4 भाग व्यापार करते हैं और 1/4 भाग कृषि करते हैं। तो हमें बताना है गांव का कौन सा भाग ऐसा है जो कि बेरोजगार है, यानी कि कोई काम नहीं करता। मान के चलते हैं गांव में टोटल कितने आदमी हैं, मान के चलते हैं एक्स आदमी है टोटल गांव में, यानी कि इस गांव में रहने वालों की संख्या कितनी है, एक्स है। अब इसमें से देखिए, कुल लोगों में से 1/3 भाग नौकरी करते हैं, यानी कि इसका 1/3 देखें नौकरी करते हैं, और इसका ही 1/4 भाग क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, और इसका 1/4 भाग क्या करते हैं, कृषि करते हैं। तो इनको टोटल कर दें तो टोटल जो काम करते हैं उनकी संख्या प्राप्त हो जाएगी हमें। तो देखिए, टोटल काम करने वालों की संख्या को हम गांव की संख्या से माइनस कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, बेरोजगारों की संख्या, यानी कि जो कोई काम नहीं करते। सबसे पहले जो काम करते हैं उनको टोटल करें, तो देखिए 3, 4, 4, इनका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 4 × 3 = 12, देखिए 3 से 4 बार में कैंसिल होगा एलसीएम, 3 × 12, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 4x + 4 से 12 कैंसिल करेंगे, 4 × 3 = 12, 3x, इसी प्रकार 4 से एलसीएम कैंसिल करेंगे, 4 × 3 = 12, यानी कि देखिए x से माइनस करना है हमें। तो देखिए, इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे कितना आएगा, 4 × 3 = 7, 7 × 3 = 10, यानी कि x − 10x/12, देखिए इसको ऐड करा कितना है, 10x, x से हमें माइनस करना है, तो 12 − 10x, 12 से 10x को माइनस करेंगे कितना आएगा यहाँ पे, देखिए 12 से 10x को माइनस करेंगे तो 2x/12 आएगा, 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 × 2 = 12, यानी कितना आ रहा है, 1/6x, यानी 1/6 भाग जनसंख्या कैसा है, जो कि कैसा है, बेरोजगार है। देखिए, हमने क्या करा, गांव की टोटल संख्या मान ली x है, और जिसमें से देखिए क्वेश्चन में ही कह रहा है 1/3 भाग नौकरी करते हैं, कुल जनसंख्या के 1/3 भाग नौकरी करते हैं, जबकि 1/4 भाग व्यापार करते हैं और 1/4 भाग कृषि करते हैं। टोटल काम करने वालों को हमने प्लस कर दिया, और इसको प्लस करने के बाद क्या करा, गांव की संख्या से माइनस कर दिया, कितना आ गया हमारे पास, 1/6 भाग, जो कि कैसा होगा, बेरोजगार होगा।
तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। इससे आगे के टाइप के क्वेश्चन हम अगली क्लास में सॉल्व करते हैं। यदि आज की क्लास आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और आप चैनल अपनी चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।